गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका श्रीमती रेणु निगम। आज मैं आपको सर्वनाम के बारे में बताने जा रही हूँ और यह वीडियो क्लास सिक्स से एट तक के बच्चों के लिए है। सबसे पहले यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, उस पिक्चर पे एक स्टोरी दी गई है, एक कहानी दी है। पर वो कहानी देखने में कैसी लग रही है, थोड़ी अटपटी सी लग रही है, पर इसको हम जब तक पूरा पढ़ेंगे नहीं तो हम इसको हल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे इसकी, उसकी, वह, मेरा, तुम, तुम्हारा या अपनी आदि। सबसे पहले यहाँ पर स्टोरी में सर्वनाम से जुड़ी हुई कुछ स्टोरी एक दी गई है। क्या दी गई है, गौरा वास्तव में बहुत सुंदर थी, कुछ ही दिनों में वह सबसे इतनी हिल मिल गई। यहाँ पर क्या आएगा, वह, डैश की जगह क्या आएगा, वह, कि अन्य पशु पक्षी डैश लघुता और डैश विशालता का अंतर भूल गए। मतलब दोनों जगह पे क्या आएगा, पशु पक्षी उसकी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली डैश पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। अब डैश की जगह पे क्या आएगा, उसके। फिर क्या है, पक्षी डैश पीठ और माथे पर बैठकर डैश आंख तथा आंखें खुजलाने लगते। अब यहाँ पर क्या आएगा, उसकी, उसकी पीठ पर और माथे पर बैठकर उसके आंख और कान, आंख तथा कान तथा आंखें खुजलाने लगते। डैश भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंदकर मानो डैश संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती। वह, यहाँ पर क्या आएगा, वह, और यहाँ पर क्या आएगा, अपनी। तो देखा आपने, यहाँ पर सर्वनाम के ही कुछ उदाहरण दिए गए हैं। अब क्या है, सर्वनाम को छह भागों में बांटा गया है। पहला क्या है हमारा, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठवां हमारा निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, एक होता है उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक में क्या होता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाले व्यक्ति के लिए होता है वे उत्तम पुरुषवाचक कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, मैंने, मुझे, मुझसे, हम, हमारा, हमने आदि। अब यहाँ पर क्या है, एक बॉक्स में ऊपर सबसे पहले क्या दिया है, कारक, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा बच्चों। जैसे कर्ता, कर्ता में एक वचन में मैंने, मैं और मैंने। अब यहाँ पे वही चीज़ बहुवचन में बदल जाती है, हम और हमने। हम में बहुत सारे लोग हो जाते हैं और हमने भी में भी बहुत सारे लोग हो जाते हैं। अब कर्म, कर्म हमें क्या है, मुझे और मुझको। अब यहाँ पर क्या है, बहुवचन में बदल जाता है, हमें, हमको। करण, मुझसे, में द्वारा, मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा। संप्रदान में एक वचन में क्या आ जाता है, मुझे और मुझको, और वही चीज़ बहुवचन में क्या आ जाती है, हमें और हमको। अब यहाँ पर अपादान, अपादान में एक वचन में क्या आता है, मुझसे, और बहुवचन में वही चीज़ क्या हो जाती है, हमसे। संबंध में मेरा, मेरी और मेरी, मेरे। अब उसमें बहुवचन हमारा क्या आ जाता है, हमारा, हमारी और हमारे। अधिकरण में क्या है, मुझ पर, मुझ पर एक वचन में आ जाता है और हम पर बहुवचन में आ जाता है। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे मैंने अमन से बात की, मैंने अमन से बात की, तो यहाँ बोलने वाला बोल रहा है और सुनने वाला सुन रहा है, ठीक है, मुझे अभी बाज़ार जाना है। तीसरा उदाहरण है हमारा, मुझसे आज एक गलती हो गई। चौथा भेद है, उदाहरण है हमारा, हमने सभी का सम्मान करना चाहिए। पांचवा उदाहरण है हमारा, भैया हमारे लिए क्या लाए हैं, तो हमारे, बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, हमारे। अब क्या है यहाँ पर, तीसरा, दूसरा भेद है हमारा मध्यम पुरुषवाचक।
श्रोता अथवा पाठक के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे तुम, तुमने, तुम्हारा, आप, आपका आदि। तुम का प्रयोग हम उम्र में छोटे लोगों के लिए किया जाता है और आपका प्रयोग बड़े लोगों के लिए किया जाता है। अब तुम का उदाहरण ये है, तुम हमेशा सच बोलते हो, तो हम अपने छोटे से बात कर रहे हैं, कृपया आप बैठिए, ये हमने अपने से बड़ों के लिए एक आदर के लिए कहा है। यह साइकिल तुम्हारी है क्या, यह साइकिल तुम्हारी है क्या, तो ये हमने अपने छोटों के लिए तुम्हारी का प्रयोग किया है। अब तीसरा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, बोलने वाला जिसके विषय में कुछ बातचीत करता है उनके लिए प्रयोग किए गए सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, वे, उसका, उनका, उनसे, यह, ये आदि। अब यहाँ पर क्या है, कुछ उदाहरण दिए, वह कल विद्यालय नहीं गया, वह कल विद्यालय नहीं गया, तो कन्फर्म हो गया कि वो नहीं गया। उन्होंने, उन्हें दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। अब यहाँ पे वह, उन्हें और उसके का यूज़ है, केवल उसके लिए बस पूरे 10 मिनट रुकी रही, बस किसके लिए, किसी अन्य पर्सन के लिए रुकी रही, यहाँ पर क्या है, अन्य पर्सन है, वह, उन्हें और उसके। अब सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह तथा वे पुरुष व तथा निश्चयवाचक दोनों सर्वनामों में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण, वह मेरी कमीज है, मतलब वह मेरी कमीज है, तो हमने क्या निश्चय कर दिया कि वही मेरी कमीज है, या वह मेरे मित्र का भाई है, तो ये हमारा क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन सर्वनाम शब्दों में किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध ना हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कोई, कुछ, बहुत कुछ, कोई ना कोई, कितना, आदि। प्रायः कोई शब्द का प्रयोग सजीव के लिए और कुछ का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है। उदाहरण, लगता है कमरे में कोई आया था, लगता है कमरे में कोई आया था, तो हमने ये निश्चय नहीं किया कि कौन आया था कौन नहीं आया था। दूसरा उदाहरण हमारा क्या है, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, कुछ खाने को चाहिए, ये भी हमने अनिश्चय नहीं किया था। अब तीसरा भेद हमारा क्या, उदाहरण है, दूध में कुछ अजीब सा स्वाद आ रहा है, हमने निश्चय नहीं किया कि दूध में वाकई में ऐसा अजीब सा स्वाद आ रहा है। बेटा कुछ कुछ खाकर बाहर जाना, कुछ अनिश्चय नहीं किया, ठीक। अब हमारा चौथा भेद क्या है सर्वनाम का, प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो शब्द सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे कौन, किसका, क्यों, क्या, कहाँ, आदि। जैसे उदाहरण में देखिए, किसके साथ दिल्ली जा रहे हो, या फिर तुम्हारा क्या नाम है, कौन तुम्हारे पीछे खड़ा है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, और यहाँ पर क्या का भी यूज़ हो रहा है, किसका भी यूज़ हो रहा है, किसने का भी यूज़ हो रहा है, और कौन का भी यूज़ हो रहा है। अब हमारा पांचवा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए किसी शब्द का उसी वाक्य से दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण में क्या है, जिसने अपराध किया, जैसे जिसने, जिसकी, जो, उसकी, आदि, ठीक है। जिसने अपराध किया उसे दंड तो मिलेगा ही, अब यहाँ पर संबंध है अपराध और दंड का। अब जिसकी फसल अच्छी होगी उसकी आमदनी भी अच्छी होगी, अब यहाँ पर फसल और आमदनी का क्या संबंध है, अगर फसल अच्छी नहीं होगी तो आमदनी अच्छी नहीं होगी। उसी तरीके से एक उदाहरण और दिया गया है, जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, परिश्रम और सफल का क्या है आपस में संबंध बता रहा है। अब हमारा छठा भेद सर्वनाम का है निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में कर्ता के साथ अपनापन प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे उसे छोड़ दो वह अपने आप चला जाएगा, तो अपने आप क्या है, अपना आप क्या है, अपनापन है। आप खाना रख दो मैं स्वयं खा लूँगा, तो खाना और स्वयं का क्या है, एक अपना
पन है। तो ये बच्चों आपने क्या है इसको आप पढ़िए, और अगर आपको सर्वनाम में कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे गूगल मीट की क्लास पर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड डे।